इरफान खान जो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कार्टून एमबीए। आज की वीडियो का टॉपिक है सुजुकी सेंटर का, आपको थोड़ा बहुत रिव्यू देते हैं और साथ गाड़ी फॉर सेल के लिए अगर किसी को चाहिए हो तो मैं फिर आप कर सकते हैं। तो एक्सचेंज पॉसिबल भी है सुजुकी बलान राबी और सुजुकी में ग्रांड के साथ, किसी को एक्सचेंज करनी हो वो भी रब्ता कर सकते हैं। बहुत ले जी, आज हम बात करेंगे सुजुकी सेंटर की, इसमें क्या फीचर्स हैं, क्या आफ्टर मार्केट है, क्या इसका अपना ऑलमोस्ट तो इसमें सारा कुछ ही आफ्टर मार्केट है। इतना पुराना मॉडल है, कुछ इसका अपना होगा तो नहीं, और वैसे ही उसका साथ आपका एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं कैसा है। और ये गाड़ी फॉर सेल भी है, ठीक है, इसका आपको सारा कुछ मैं दिखाता हूँ क्या चीज़ है कैसे है। आइए चलिए, अगर आप चाहते हैं सस्ती और कम्फर्ट गाड़ी हो तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर गाड़ी कोई भी नहीं आपको मिलेगी। ये गाड़ी की आप इस रेंज की प्राइस ब्रैकेट में जाएँ 2-2.5 लाख की, तो आपको मेहरान नेफेक्स वगैरह कोई मिलनी है, पुराने मॉडल जितनी मिक्रोला वगैरह होती हैं वो मिलेंगी। बस इसका जो लेग स्पेस है आगे भी बहुत अच्छा है, पीछे भी बहुत अच्छा है, 5 लोग इजीली बैठ के जा सकते हैं, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं होता। और इस गाड़ी को खुद अमदपालपुर, सरगोधा, इस्लामाबाद तक पता नहीं कहाँ कहाँ ले गए हैं, मगर अल्लाह का शुक्र है आज तक कहीं हमें तंग नहीं किया इस गाड़ी ने। अपने वक्त ही बादशाह गाड़ियों में से एक गाड़ी है ये, इसमें एसी आया था पर इस टाइम नहीं चलता, ठीक है। जब से मैंने शुरू से लिया है तकरीबन 3 साल में जो हो गए हैं, मगर 3-4 साल से इसमें एसी लगवाया नहीं, चलता ही नहीं था। मैंने पता किया था 30,000 के राउंड अबाउट इस पर खर्चा आ रहा था, एसी चल जाएगा उन्होंने कहा था। और इस गाड़ी में मैंने सीएनजी की वो उतार ली थी, किट लगी हुई है सिलेंडर का, वो उतार लिया था, सिलेंडर उतार के रख लिया था मैंने। इसमें बेसर भी लगा हुआ था, बेसर मैंने उतार के रख लिया क्योंकि सीट नहीं बंद होती थी सही तरीके से, इसलिए फिर उसकी वजह से मैंने ये बेसर उतार के रख लिया कि देखिए किस में लगता है। इसमें जो साइड मिरर मैंने लगवाए हैं वो मैं लगाए हैं करोला के डाउन मॉडल के, और ये दिए मैं उसके लाइट के कंट्रोल जो टूटे हुए थे वो मैंने उसका नीचे किया हुआ कनेक्शन। ये पार्किंग लाइट है, उसके बाद नीचे वाला कंट्रोल भी लाइट्स की है इशारों वगैरह का, मगर वो भी ख़राब है बटन। ये सारे दिए में वाइपर्स की कंट्रोल हैं, उसके बाद डबल इंडिकेटर है, ये डबल इंडिकेटर दिया हुआ है, चलता है सब कुछ वायरिंग की तरफ से बिल्कुल ही ओके गाड़ी है। इंजन हुआ है, दो या तीन तेल चेंज किए हैं, ऑयल चेंज किए हैं मैंने इसके पास, और कुछ भी नहीं हुआ हुआ। इसका एक डिसएडवांटेज तो नहीं कह सकते पर ये गाड़ी थोड़ी सी नीची है, वो तो हर बंदा अपने शौक से ऊंची नीचे करवा देता है। मैंने पता किया था ये गाड़ी ऊंची हो जाती है जितनी आप करवाना चाहें, कोई मसला, ये गाड़ी जितनी मर्जी ऊंची नीचे हो जाती है इस बात की टेंशन नहीं होती। मैं आपको बाहर जा कर भी दिखाता हूँ अभी इसका, ये मैंने इसका पता किया था तकरीबन 2500 के अंदर वो कार के दे रहा था ऊंची नीची जैसे मर्जी करवा लें, पर ये गाड़ी ढंग हुई है अभी, कंपाउंड भी नहीं करवाई। वैसे ये सिंध नंबर है गाड़ी का, सिंध का नंबर है, उसके बाद जिनसे हमने ली थी वो हमारे हमसाए थे पंजाब पुलिस का, उनका भी लगा, उनके बहनोई हैं या कोई उनके रिलेटिव हैं उनका लोगो लगा हुआ है, एडवोकेट वो खुद हैं उनका लोगो लगा हुआ है, उन्होंने भी वैसे ही हमारे कहने पे सेल की थी। उसके बाद उन्होंने भी हमें कहा था कि वापस दे दें, मगर उनको उसके बाद उन्होंने गाड़ी ले चुके थे जब हमने कहा था आप ले लें वापस। टायर की कंडीशन इस टाइम 50 to above है, टायर भी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा साइड पर मोड़ के हल्के से, टायरों की कंडीशन टायर कुछ भी नहीं, हमने इसके टायर वगैरह के साथ तो कुछ पंगा लिया ही नहीं है। अब बारी आती है आगे इंजन की, इंजन में आप खोल के दिखाता हूँ, उसके बाद बैटरी इसमें मैंने न्यू इंस्टॉल करवाई भी है, गियर इसका चेंज हुआ हुआ है, कल्टस का गियर लगा हुआ है इसमें। और इसके एक और बात आपको क्लियर करता जाऊँ कि ये सुजुकी खैबर स्विफ्ट है, एक होती है सुजुकी खैबर और ये सुजुकी खैबर स्विफ्ट है 1990 मॉडल। गैसकेट इसमें इंस्टॉल है, गैसकेट मैंने नहीं उतारी थी, सिलेंडर मैंने उतार लिया था, सिलेंडर मेरे पास अंदर रखा हुआ है, और बाकी इसका सब कुछ आप देख रहे हैं इंजन आगे से जो भी है पार्ट इसका। आप इस गाड़ी को ये भी कह सकते हैं कि सुजुकी कल्टस की ये बहन है, बिल्कुल उसके जैसी है, उसके जितने इंजन है,
मेरे इसका थोड़ा सा यहाँ से बम्पर टूटा हुआ, रोज सारा टूटा हुआ। और तो मेरी नज़र में से कोई चीज़ रह नहीं गई, स्टेपनी वगैरह ये पीछे रखी हुई है इसकी मैंने। आपको ड्राइव वगैरह करके दिखाते हैं कैसी चलती है गाड़ी। इसके अंदर मैट रखवाए मैं कि ज़्यादा नीचे से फ्लोर गंदा ना हो। और उसके बाद इसमें सिंपल हैंड ब्रेक और सिंपल गियर वगैरह दिए हुए, गियर नोब वगैरह, क्योंकि ये नया मॉडल तो है ना जो इसमें दिया है। जो दूसरा ये जो सा बॉक्स नज़र आ रहा है ये मैंने खुद लगाया था, मेरे पास डार्सन का रखा हुआ था, उसका मैंने उतार के इसमें लगा दिया था। और इसके बाद मैं आपको इसको ड्राइव स्टार्टिंग दिखाता हूँ कैसी है। बाकी आप देख लें कितनी सी स्लिप में गाड़ी स्टार्ट हो गई है। अब मैं आपको दोबारा भी करके दिखाऊंगा, पर आप बाहर से पहले देख लें गाड़ी 2 दिन बाद स्टार्ट की है। पानी उसी वक्त गाड़ी ने फेंकना शुरू किया है, इसका मतलब इंजन गुड हो। जब पानी फेंके इंजन तो इंजन बिल्कुल गुड होता है साइलेंसर से पानी आए तो। अब गाड़ी में आपको बंद करके दोबारा स्टार्ट करके दिखाता हूँ। पावर स्टेरिंग करवानी हो जाती है, कोई ख़ास मसला नहीं होता गाड़ी का, कोई 8-10 हज़ार रुपये का खर्चा बस। गाड़ी बंद करने लगाऊँ, अब स्टार्टिंग देखें आप खुद ही। बस इतने से सेल्फ में गाड़ी गाड़ी में निकाल ली, बाइट सर्विस रोड पे ले आया हूँ। और इसकी मैं बताता चलूँ, ये सुई जो उनकी स्पीड वाली सुई होती है, स्पीड कम बताती है, कम से कम 20 थी इसकी स्पीड कम बताती है। अब मैं थोड़ी सी इसे भगा के दिखाता हूँ, फिर देखना सुई उठेगी। ये देखें अब सुई जाके कहीं उठी है, और इसकी ये स्पीड थोड़ी सी गाड़ी इतनी चली हुई है, पर मीटर पे शो हो रहा है 17,780 किलोमीटर, 17,780 किलोमीटर। पर इससे पता, इससे पहले ये नहीं पता कितने लाख किलोमीटर पहले भी चली हुई है। बाकी ड्राइव इसकी बहुत स्मूथ है, जहाँ मर्जी आप एनी टाइम इस गाड़ी को भी लेके जा सकते हैं। बहुत पावरफुल गाड़ी है ये। बस मैं कोशिश करूँगा मुझे वीडियो मिल जाए, मैं वो वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि कैसे चलाई हुई ये गाड़ी है। बीटी रोड पर चला लिए इसे, पहले सर्विस रोड पर आ रहा था, अब इसे थोड़ा सा चला चलो के आपको मैं इसकी आवाज़ वगैरह सुना दूँ। कोई आवाज़ वगैरह नहीं है। अगर आप लोगों ने कोई भी चीज़ इसके बारे में मेरे से पूछनी हो आप लोग पूछ सकते हैं मेरे से। चीज़ आप लोगों ने पूछनी हो वो पूछ ले मेरे से, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा। बाकी इसके टायरों वगैरह के मैं आपको साइज़ वगैरह जो भी है वो घर जाके मैं आपको बताता हूँ। टायर हैं सारे इक्वल साइज़ के हैं, 145, 80, 8, 13, 145, 80, 13। इसके आगे फॉग लाइट्स भी लगी हुई हैं। ये आफ्टर मार्केट सब कुछ इसका आफ्टर मार्केट है, शीशे भी मैंने खुद लगवाए हैं आफ्टर मार्केट, व्हील का पीस के जो से ये भी खुद लगवाए हैं मैंने। लेदर की फिटिंग है इसमें ये भी, उसके बाद डैशबोर्ड इसका ओरिजिनल ही है, ठीक है। ये एस्ट्रे दी हुई है, इसी के अंदर इसके कागज रखे हुए हैं। लॉक और अनलॉक वाला सिस्टम यहाँ पे दिया गया है, वो क्या डिब्बे और जो सिटी वगैरह के मॉडल आए हैं उनकी तरह वो डंडे वाला नहीं दिया हुआ जो यहाँ पे साइड पे होता है। और ये मैं हैंडल वगैरह इसका, पावर स्टीयरिंग वगैरह सब कुछ हम करवा सकते हैं, पावर विंडोज़ करवा सकते हैं, सब कुछ हो जाता है। पर वो जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा करने वाली बात है इसमें, जितना कर लेंगे हम उतनी अच्छी बात है। और इसके चारों व्हील का साइज़ एक जैसा है। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। शुक्रिया।